दोस्तों, गदर फिल्म बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ये फिल्म इतनी हिट हुई थी कि इसके 10 करोड़ टिकट्स बिके थे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस थे सनी देओल और अमीषा पटेल, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद गोविंदा और काजोल थे। गदर फिल्म के डायरेक्टर इससे पहले 1998 में महाराजा फिल्म बना रहे थे और महाराजा फिल्म के लीड एक्ट्रेस थे गोविंदा और मनीषा कोइराला। जब अनिल शर्मा महाराजा फिल्म बना रहे थे उस टाइम उनको गदर फिल्म का आइडिया आया था। इस फिल्म में उनको गोविंदा के साथ काम करके अच्छा लगा था, इसीलिए उन्होंने गोविंदा को गदर स्टोरी सुनाई और गोविंदा को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई और उन्होंने ये फिल्म 98 में ही साइन कर ली थी। लेकिन उनकी महाराजा फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। तब अनिल शर्मा ने गोविंदा के साथ फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है, इसीलिए अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र से रिक्वेस्ट की कि वो अपने बेटे सनी देओल को बोले कि वो मेरी फिल्म गदर में लीड एक्टर के तौर पर काम करे। सनी देओल ने भी उनकी बात मानी और वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। बात करें लीड एक्ट्रेस की तो अनिल शर्मा इस फिल्म में पहले काजोल को लेना चाहते थे। काजोल को इस फिल्म के स्क्रिप्ट भी पसंद आई थी, लेकिन वो अपने बिजी स्केड्यूल के चलते इस फिल्म को डेट्स नहीं दे पाई। इसके बाद इस फिल्म में अमीषा पटेल को कास्ट कर लिया गया। तो ऐसे अनिल शर्मा ने गदर फिल्म सनी देओल और अमीषा पटेल को लेकर बनाई। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड का ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।